नवाज शरीफ की गवर्नमेंट और जरदारी की गवर्नमेंट ने इस कर्जे को 34 अरब डॉलर से 94 अरब डॉलर यानी कि 94 बिलियन डॉलर तक ये ले गए। ना कोई मुल्क में बड़ा प्रोजेक्ट लगा, ना मुल्क में कोई खुशहाली आई, बल्कि करते ये रहे कि इन लोगों ने इसी जो IMF से जो पैसे लेते रहे उसके हुकूमतें भी चलाई, करप्शन भी किया, मनी लॉन्ड्रिंग भी की, सब कुछ करते रहे। और जितने डैम जो मुशर्रफ 6 डैम अनाउंस करके गए थे मेगा डैम, 1 इंच काम नहीं हुआ, वो सारे काम बंद हो गए थे। यानी कि कोई नई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी, बल्कि ये हुआ कि इंडस्ट्रियां धड़ाधड़ बंद होने लगी। वजह इसकी ये थी कि रॉ मटेरियल जो है उस पर ड्यूटी थी, रॉ मटेरियल महंगा आता था, इंपोर्ट होता था, और उसी रॉ मटेरियल की जो फिनिश गुड था वो सस्ता आता था। तो यानी कि आपका रॉ मटेरियल अगर आपके फिनिश गुड से सस्ता होगा तो आप कैसे मुकाबला करेंगे उसका। तो ये गलत पॉलिसी थी और इनको पड़ी भी नहीं थी कि हम कर क्या रहे हैं।